रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ उसकी पत्नी मंदोदरी का? आखिर रावण के मरने के बाद कहाँ चली गई मंदोदरी? भगवान श्री राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद क्या मंदोदरी ने कर ली थी दूसरी शादी, या फिर रावण के साथ हो गई थी अग्नि कुंड में सती? दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी का जीवन रावण तक ही सीमित रहा। रावण की मृत्यु के बाद जैसे मंदोदरी गायब सी हो गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में रामायण के बाद मंदोदरी के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है, हालांकि कुछ बातें जरूर प्रचलित हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में इसके बारे में बताया गया है। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वह आपके अनुसार अलग हो, और जो मैं बताने जा रहा हूँ और जो आप जानते हैं, हो सकता है उनमें भिन्नता हो। लेकिन आप यह तो जानते हैं कि उन कथाओं की रचना ना मैंने की है ना आपने। कल्प वेद से माने तो सारी कथाएं सत्य हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो रामायण में माता सीता, प्रभु श्री राम और हनुमान और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत से कम लोगों ने यह बात जानने की कोशिश की है कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर मंदोदरी कौन थी। दोस्तों, कहते हैं मंदोदरी रामायण की पंच कन्याओं में से एक है। लंकापति रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत से कम लोग यह बात जानते हैं कि मंदोदरी रावण की पत्नी बनने से पहले एक मेंढकी थी। उसे यह रूप माता पार्वती के श्राप के कारण मिला था। पुराणों के अनुसार एक बार मधुरा नाम की एक अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उसने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इसके बाद मधुरा ने भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करने का अपराध किया और उसी समय माता पार्वती वहां पर आ गईं, और माता पार्वती को मधुरा पर बहुत क्रोध आया और इसी कारण माता पार्वती ने मधुरा को 12 सालों तक मेंढक बन के कुएं में रहने का श्राप दिया। इस बीच महादेव की नींद टूटी और उन्होंने माता पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने मधुरा से कहा वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन अगर वह घोर तप करती है तो वापस अपने रूप में आ सकती है। माता पार्वती द्वारा दिए गए मार्ग के अनुसार मधुरा ने लंबे समय तक तप किया। उसी दौरान असुरों के राजा मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा भी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। उधर अपनी घोर तपस्या के कारण मधुरा अपने वास्तविक रूप में आ गई और फिर कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाने लगी। फिर मायासुर अपनी पत्नी के साथ उस कुएं के पास जाता है तो उन्हें कुएं से मधुरा की आवाज़ सुनाई देती है और वह दोनों उसे बाहर निकाल लेते हैं। वे दोनों पति पत्नी मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मंदोदरी रखता है, जिसका आगे चलकर रावण के साथ विवाह होता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक बार लंका का राजा रावण मायासुर से मिलने उसके घर जाता है। वहां उसने उसकी पुत्री मंदोदरी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसके बाद उसने मायासुर से उसकी बेटी से विवाह करने की इच्छा जताई। हालांकि मायासुर को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन रावण नहीं माना और उसने बलपूर्वक मंदोदरी से विवाह किया। मंदोदरी यह बात जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मंदोदरी का चरित्र
रामायण में बड़ा ही नैतिक दिखाया गया है। जब रावण माता सीता का हरण कर लाया तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी ने बार बार यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में उसकी पराजय हुई और राम के हाथों उसका वध हुआ और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मृत्यु के बाद राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन कहा जाता है कि मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए, तब ज्योतिषियों के अनुसार मंदोदरी को यह एहसास हुआ कि धार्मिक तौर पर और नैतिक तौर पर छोटे देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने विभीषण से शादी करना स्वीकार कर लिया। उसके बाद विभीषण और मंदोदरी का विवाह हुआ। दोस्तों, रामायण में मंदोदरी और विभीषण की कथा भी प्राप्त होती है। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अन्य रामायण में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान श्री राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण की पहले से ही बहुत सी पत्नियां थीं, लेकिन विभीषण तैयार नहीं थे। और यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण मंदोदरी से विवाह कर लेते तो उन्हें भाई रावण की जगह नैतिक शासन करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह रिश्ता शारीरिक संबंधों, यौन संबंध के बजाय धर्म और विशुद्ध राज्य शासन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति रावण की मृत्यु के बाद लंका में समृद्धि और शासन बना रहे। वह राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी और उसने रावण की मृत्यु के लिए कभी भी राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। और एक कथा यह भी बताई जाती है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। उसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर दोनों का विवाह हुआ और विभीषण लंका के राजा बने।